मैट ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैट ब्लॉगर चैनल। पहले मैं प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आज हम बात करेंगे दांतों के देखभाल के बारे में। खाना खाने के लिए दांतों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पहले आदिवासी लोग दांत साफ करने के लिए करंज का पेड़ का दातुन का प्रयोग किया करते थे। मतलब करंज के पेड़ का टहनी को काटकर दातुन के तौर पर प्रयोग करते थे। ज़्यादातर आदिवासी लोग करंज के पेड़ का दातुन किया करते थे, पर आजकल लोग ब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। दांतों को रोगाणु मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए अगर करंज का तेल का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रहा आपका टूथब्रश, ये रहा आपका टूथब्रश। और ये रहा आपका करंज का तेल, ये रहा आपका करंज का तेल, ये रहा आपका करंज का तेल, ये रहा आपका करंज का तेल। आप ब्रश के ऊपर 5 बूंद या 5 ड्रॉप करंज के तेल को डाल दें। ये ब्रश के ऊपर 5 बूंद, ये करंज का तेल को, ये ब्रश के ऊपर 5 बूंद करंज का तेल को डाल दें। उसके बाद ये रहा आपका टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट को ब्रश के ऊपर लगा लें। ये रहा आपका टूथपेस्ट, आप कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट ले सकते हैं, आप कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट ले सकते हैं। और ये टूथपेस्ट को इस ब्रश के ऊपर लगा लें। और ब्रश करें रोज या प्रतिदिन इस तरह ब्रश करें तो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। दांत में कीड़ा लगना या कैविटी होना या दांत में छेद होना, ये सब से आप दूर रहेंगे और देखिएगा आपका दिन भर अच्छा लगेगा। दांतों के कई प्रकार के बीमारी में बीमारी से आप दूर रहेंगे। दातुन करने के बाद अगर आप करंज के तेल से मसूड़े को उंगलियों से अच्छी तरह से रगड़ेंगे तो मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। और आप इस तरह करंज के तेल से दांतों का देखभाल कर सकते हैं। पहले मैं प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आपका शुभ चिंतक मैट ब्लॉगर।